मनोहर पर्रिकर जैसे सीधे और सरल स्वभाव के स्वच्छ चारित्र के नेता बहुत कम दिखाई देते हैं। गोवा में उनकी पहचान रिक्शा से जाने वाले मुख्यमंत्री, स्कूटर पे घूमने वाले मुख्यमंत्री, कहीं मछली के बाजार में दिखने वाले मुख्यमंत्री ऐसी आम आदमी को कभी भी मिल रही थी। 2014 के बाद तुरंत वो संरक्षण मंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर बने। ये ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे जो राफेल का निगोशिएशन सब शुरू हुआ, चर्चा जब शुरू हुई, इन्होंने कभी भी उसमें भाग हिस्सा नहीं लिया, ना फ्रांस गए ना उस निगोशिएशन का हिस्सा है। और मौका मिलते ही वो तुरंत गोवा वापस आए मुख्यमंत्री, लेकिन उनको उनके दिल में ये वेदना थी, ये वेदना उनको सताती थी। और उन्होंने कई बार ये दोस्तों से कहा था, और ये वेदना के कारण वो व्यथित होते थे, उनके शरीर में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। हालांकि उनका राफेल से कुछ लेना देना नहीं था, पिछले 1.5 साल से लगातार लोग राफेल के ऊपर से बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं, लेकिन इस भारत में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिन्होंने मनोहर पर्रिकर साहब के ऊपर उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र, उनका स्वभाव और उनका किया हुआ काम बोल रहा था कि यह आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ था वो उनको दर्द दे रहा था, और इसी दर्द के कारण वो जिस मानसिकता से किसी बीमारी से लड़ने की उम्मीद होती है वो उम्मीद उनमें नहीं है, और ये तान तनाव आखिर में उनको उनके ऊपर हावी हो गया और वो चल बसे।